कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन એટલે શું છે કે જ્યારે કોઈ પણ હૃદય કે ફેફસાની તકલીફ આપણને થતી હોય છે, બાયપાસ સર્જરી પછી આપણે એક નાનકડો સ્ટેપ ભરવો એ પણ બહુ ડિફિકલ્ટ થાય છે, પોતાના પલંગમાંથી જાણે ઊઠવું બેસવું બધું કાર્યક્ષમ નથી રહેતા પેશન્ટ, બધી એક્સરસાઇઝ અહીંયા જયા રિહેબિલિટેશનમાં મહિલાઓ માટે પણ પેલ્વિક ફ્લોર એક્સરસાઇઝર અવેલેબલ છે। तो ये कार्यक्षमता एमनी वधारवा माटे बाइपास सर्जरी ना 2-3 वीक पछी आपणे आ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एमनो स्टार्ट करता हीए छे जया रिहेबिलिटेशन में। अने एमने आ जे ट्रेडमिल आपणे कहीए छे के आ ट्रेडमिल नी खासियत छे के बधा ट्रेडमिल 1.0 थी स्टार्ट थता होय छे, पण आ ट्रेडमिल 0.1 नी स्पीड थी स्टार्ट थाय छे। तो धीरे धीरे ए लोकोने मशीन अने एमनू एमईटी लेवल, एटले एमईटी लेवल जे होय छे मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क के जे एमनू वधे अने 5 सुधी आवे त्यार पछी एमने थोड़ुक वधारे एक्सरसाइज माटे आपणे करी शकता होय छे। बाइपास सर्जरी पछी लगभग 2-3 वीक पछी माणस आवे अने बीजा 6-8 वीक सुधी रहे अने एनो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आखो अहींया अवेलेबल छे। बीजू ज्यारे फेफसा आपणा नबळा थई जाय छे के फेफसा नबळा पड़ी जवा, अस्थमा थवुं, आपणने कोई सीमेंटनी कंपनी में काम करता हो लोगों ने निमोनिया थवो, ए बधी तकलीफ सीओपीडी एटले के जयरे अंदर अपना फेफसानी अंदर बधी वस्तु भराई गई होय अने फेफसा श्वासोश्वास बराबर न करता होय तो श्वासोश्वासनी प्रक्रिया अने एनी एक्सरसाइज एनू पण आखू पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन अपनी पास अवेलेबल होय छे। ए पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन नी अंदर आपणे एमनो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करता होय छे, जे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपणे एक मशीन द्वारा अने फूंक मारीने करता होईए छे। जे मशीन हूँ तमने बताऊं कि आनी अंदर माणस ने आपणे कहता होय छे कि तमे श्वास लो पछी श्वास रोको अने त्यांथी फूंक मारो, आ एमना मोढ़ा में जाइने ए जे फूंक मारे छे एनाथी एमना फेफसा केटला मजबूत छे एनो आपणने अंदर, पछी श्वास रोको अने त्यांथी फूंक मारो, आ एमना मोढ़ा में जाइने ए जे फूंक मारे छे एनाथी एमना फेफसा केटला मजबूत छे एनो आपणने अंदाजो आवे छे। ए फेफसा ज्यारे एमनी जे FE1 अने FVC एटले कि अमारो मेडिकल टर्म छे, पण एमनी जे मात्रा होय 70% होय तो ए पेशंटना फेफसा थोड़ा नबळा छे एवुं आपणे कही शकीए अने एना उपरथी एमनुं पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन आपणे करता होईए छे। तो कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन माटे आपणी पासे दरेक प्रकारना इक्विपमेंट छे, रिकमरस बाइक छे, आपणी पासे बीजू ट्रेडमिल जे 1 स्पीडथी स्टार्ट थाय छे, पछी जे छे क्रॉस ट्रेनर छे आपणी पासे, प्लस जयरे कोईपण कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन पेशंट हो तो आपने एमने जेटलू हाथ की कसरत कराइए तो एमना माटे थोड़ू अघरू हो आपणे एवुं कहीए कि हूँ थाकी गयो चालीने, पण घणीवार तमे विचार करी जुओ कि तमे 10-20 वार खाली तमारा हाथ गोड़ गोड़ फेरवशो तो तमे जेटलू चाल्या एना करता वधु जल्दी थाकी जशो। तो एना माटे आपणी पासे आर्म अर्गोमेट्री जेवी साइकल छे जे अहींया एने आपणे आर्म अर्गोमेट्री एक्सरसाइज करावता होईए छे, प्लस आ हाथथी अमने साइकल चलावानुं कहीए छे जे एमनो समय आवे 6-1 अठवाडिया पछी ज्यारे थोड़ुक हाथनी व्यवस्था एमने बराबर होय, दुखावो न थतो होय त्यारथी आपणे स्टार्ट करता होईए छे। बीजू एमने कफ खावामां तकलीफ थती होय छे, बाइपास सर्जरीनो जे आपणे आखो कट होय छे ने सूचर बहु लांबू होय छे तो ए कफ पण नथी करी शकता, तो कफ केवी रीते करवो जेथी टाँकाने कोई तकलीफ न थाय अने प्लस एमने कोई निमोनियानी के कफ अंदर पण न रही जाय, ए बधी टेक्निक श्वासोश्वासनी अने हृदय माटे जेटलू पण एमने कार्यक्षम थई शके ए बधुं ज रिहेबिलिटेशन अहींया कार्डियोपल्मोनरी में आपवामां आवे छे। महिलाओं ने पण घणी बधी तकलीफ थती होय छे पण ए बारे कही नथी शकता, घणीवार प्रेग्नेंसी दरमियान पण दुखावा थता होय छे, कमरनो दुखावो थवो, बाळक एक साइड पर होय तो एक पगमां झणझणाटी आवी, तो प्रेग्नेंसी दरमियान अने प्रेग्नेंसी पछी एटले के सगर्भ अवस्थामां अने बेबी डिलीवर थई जाय पछी आपणे एक्सरसाइजनो एक प्रोग्राम छे जे जया रिहेबिलिटेशनमां अवेलेबल छे। ड्यूरेशनमां पण तमने कोई पेन होय तो एना माटेनी पण एक्सरसाइज करावामां आवे छे, प्लस ज्यारे कोई आपणे मोटापा आवी जाय एटले ओबेसिटीना लीधे आपणुं पेट वधतुं जाय अने एना लीधे आपणा गर्ભાશયના સ્નાયુઓ બહુ નબળા પડતા જતા હોય છે, તો આપણે હસવું કે ખાંસી ખાવી ત્યારે પેશાબના 2-3 ટીપા પડી જવા એ આપણને લાગે છે કે આવું તો બધાને થતું હોય છે, પણ આ સામાન્ય નથી, આ જે સ્નાયુઓ છે આપણા નબળા છે અને એના માટે પણ આપણે કસરત કરી શકીએ છીએ। તો આ છે પેલ્વિક ફ્લોર એક્સરસાઇઝર કે જેની મદદથી અહીંયા તમને એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવે છે, પ્લસ તમારી કેટલી ક્ષમતા છે, સ્નાયુ કેટલા નબળા છે એ આના ગ્રાફ ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવે છે અને એ પ્રમાણેની પછી એક્સરસાઇઝનો એમનો પ્રોટોકોલ બનાવવામાં આવે છે।
ઓસ્લો મેડિકોસ એલોપેથિક આયુર્વેદિક કોસ્મેટિક્સ સર્જિકલ વેટરીનરી પરફ્યુમ્સ ચોકોલેટ્સ ગોરમેટ પ્રોડક્ટ્સ એડ્રેસ નોંધી લેશો 30 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ગોલ્ડન આર્કેડ પ્લોટ નંબર 141-142 સેક્ટર 8 ગાંધીધામ કચ્છ ઇમેલ એડ્રેસ oslomedicos@gmail.com AK કન્સલ્ટન્સી ઇમેલ એડ્રેસ kashyapmota@homeconsultancy@gmail.com હોમ લોન મોર્ગેજ લોન પ્રોપર્ટી લોન પ્રોજેક્ટ લોન પર્સનલ લોન કરાવી આપવામાં આવશે તેમજ નવા તથા જૂના મકાનની લેવેચ માટે મળો પહેલા માળે ધનલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્સ નીલકંઠનગર સામે ઓસિસ હોટેલની બાજુમાં ભુજ ઓક્ટ્રોય માંડવી કચ્છ 370465 કશ્યપ મોતા મોબાઈલ નંબર 9316575005 નોંધ સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ સોશિયલ મીડિયાના નિયમોના પાલન સાથે અમે જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી છે